कैसे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलजी गेमिंग में। तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं माइनक्राफ्ट का एक और नया वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था 1 से लेकर 4 दिन तक हमने कैसे सर्वाइव किया हुआ देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर से जाके देख लेना। और उन 4 दिनों में हमने अपना बेड बनाया, फर्नस बनाया, क्राफ्टिंग टेबल बनाया और एक कुछ चेस्ट बनाई थी। और आप अभी देख रहे हैं कि मैंने बीच में थोड़ा काम किया था। तो और हाँ, उन 4 दिनों में हमने अपने होम का ये बेस भी बनाया था। चलिए हम सो जाते और स्टार्ट करते अपना अगला दिन। तो ये हो चुका है हमारा डे 5। 4 दिनों का जो वीडियो है वो मैंने डाल चुका हूँ, वो जाके देख लेना। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो हमें आज के दिन करना है, चलो पहले लकड़ी ले लेता हूँ। और हाँ, जिसने भी पिछला वीडियो देखा है उनको बता दो कि मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर जितने भी पेड़ थे पीछे, अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि यहाँ बहुत सारा जंगल था और कुछ डर्ट भी थी जो मैंने साफ कर दी है। और यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी इतने तक अपने बाउंड्री बना ली है अपने घर की, ताकि हमें खुल के अंदर घूम फिर सके। और हाँ, कुछ लकड़ियाँ भी इकट्ठा की है, देखिए इतने इतने स्टैक मैंने लकड़ियाँ इकट्ठा की है। चलिए इनसे अपना घर का बना काम काज स्टार्ट कर लेते हैं। फिर हमें लेने जाना है सैंड, ताकि सैंड से हम बना सके ग्लास। चलो अभी जितनी लकड़ी है वो सारी मैं ले लेता हूँ। चलो ये हमने लकड़ी सारी ले ली, 1 मिनट हो गया, ये सारी इक्विप भी कर लेता हूँ। चलो अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, डोर और बाकी काम बाद में करेंगे। पहले हम कितने हटे, 1 2 3 3 हाइट तक अपना कर रखेंगे, क्या कहते हो? चलो एक एक टेम्परेरी ब्लॉक है, उसे मैं बाद में हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं अपने घर की बाउंड्री बनाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो चलिए भाई लोग, ये देखिए मैंने अपने जो घर की अपर साइड की जो बॉर्डर है वो कंप्लीट कर दी है। और अब हमें बनानी है अपने घर की छत, तो चलिए वो भी जल्दी से मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फाइनली भाई लोग, अभी 5वां दिन भी ख़त्म हो चुका है और अभी हमारा घर एक कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। 5वां दिन भी पूरा का पूरा चला गया और अभी मैंने एक ही लाइन कंप्लीट कर चुका हूँ। और अभी ऐसे ही करके मुझे सारी लाइन कंप्लीट करनी है और ये बनने के बाद ही मैं दिखाऊंगा कि कैसा दिखेगा आपको। तो तब तक के लिए प्लीज़ वेट करो। तो चलिए हम पहला दिन कर लेते हैं। तो चलिए भाई लोग, फिर से हो चुका है डे 6 और ये हमारा 6th डे हो चुका है। तो यहाँ पर कल के दिन हमने जो बाउंड्री कंप्लीट की थी, अब उसके नीचे से सारी डर्ट हटा लेते हैं। तो चलो भाई लोग, फाइनली 6ठा दिन भी ख़त्म होने आ गया है और ये देखिए अपने घर की छत कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सारी जो बाकी की चीज़ें हैं, ब्लॉक है, वो हटाना बाकी है जो हम करेंगे कल के दिन। चलिए आज सो जाते हैं, आज का काम खत्म हुआ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनी अपनी छत और अभी कुछ डेकोरेशन की चीज़ें वक्त। अरे नहीं 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 लो, मेरे मुंह में कोई सवाल जवाब कुछ नहीं है, इतनी मेहनत से बनाया था सारे, मुझे कुछ कहना नहीं, जाने दो, छोड़ो, मेरा सामान, सारी चीज़ें बाहर है अपने, कुछ नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं कहना, घटिया क्रीपर, सारा दिमाग हिला दिया यार, क्या कहूँ बताओ, क्या कुछ क्रीपर क्रीपर। ये आके जब मैं उठा तो आके मेरे मुंह के सामने क्रीपर भाई साहब आके फूट गए और हमारी जितनी भी चेस्ट थी वो सारी की सारी टूट चुकी है। बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो चुका है यहाँ पर। तो चलिए अभी मैंने ये त्रिपुण ने जो गड्ढा बनाया था वो तो भर दिया। अरे भाई साहब क्या ही आवाज़ थी, चलो जाने दो। तो अभी मुझे ऊपर जाना है और ये जो अपना त्रिपुण ने छत बिगाड़ी है वो भी ठीक करनी है। चलो ऊपर जाता हूँ पहले। चलो ऊपर तो आ गया मैं, अब मुझे देखना पड़ेगा फिर से यार। मैंने सोचा था लास्ट में बताऊंगा कैसा लगा कर, लेकिन क्रीपर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। छोड़ो जाने दो जो हुआ।
अभी पहले इस छत को ठीक करते हैं। मुझे यहाँ पर एक डर्ट लगानी होगी, यहाँ पर भी एक लगेगी, एक यहाँ पर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ऐसा ओके। चलो अपनी छत तो हो गई है कंप्लीट अभी से, तो चलो पहले तो अभी हमारे 7वां दिन हो चुका है और छत भी कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अभी इसको डिज़ाइन दे देते हैं पहले, ताकि हमारे घर की छत कंप्लीट हो जाए और फिर हम अपनी जो घर की दीवार है उनका काम स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट होने आ चुकी है, अब ये कुछ ब्लॉक बाकी है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। चलो भाई लोग अभी हमारी खिंचा तो पूछ चुकी है कंप्लीट, और कमेंट में जाके जरूर भाई को मैं ऊपर से दिखाता हूँ कैसी लग रही है। एक मिनट में ऊपर चला जाता हूँ। ओके अब ठीक है, अब देखो। अरे यार गलत सीन। चलो एक और बार, जो फिर फाइल लोग अब बताओ भी ये छत कैसी लग रही है। अगर आपको छत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए यहाँ पर हमारा 7वां दिन भी ख़त्म होने आ गया है, चलिए हम चलते हैं नीचे और सोने चलते हैं। इन सारी चीज़ों को भी हटाना पड़ेगा यार। तो फाइनली भाई लोग हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल के अंदर 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और ये है हमारा 8वां दिन, और इन 7 दिनों के, 4 से 7 दिनों के अंदर हमने अपने घर की छत कंप्लीट की, उसके जो डेकोरेशन भी कर दिया। अब बाकी है हमारे घर की चारों तरफ की दीवार, और दीवार हम कंप्लीट करेंगे ग्लास से जहाँ तक हो पाएगा। तो उसके लिए हमें पहले तो चाहिए सैंड, और उस सैंड लाने से पहले ये सारे जो कह सकते हो ना वुड है वो सारा रख देते हैं, बाद में काम आएगा। चलो
ओके, अभी मैंने सारे वुड प्लैंक रख दिए हैं और अब मुझे शॉवल बनानी होगी, तीन चार बना लेता हूँ। चलो, और इस फर्नेस के अंदर अपने आयरन भी रखा था, ये मिल गया आयरन, खाना पकाने के लिए रख देते। ये रख दिया, एक आयरन शॉवल बना लेते हैं, दो बना लेते हैं स्टोन। ओके चलो, मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी होगी, अगर जरूर पड़ी तो और बना लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास गोल्ड भी पड़ा है और स्टोन भी पड़ा है। तो अभी हम जाते हैं सैंड ढूंढने के लिए, अभी देखते हैं मुझे कहाँ सैंड मिलेगी। तो चलिए फिर मिलता हूँ सैंड मिलने। तो चलो पहले, फाइनली हमें 3 स्टैक तक सैंड मिल चुके हैं यहाँ से, इस तालाब से। तो मेरे ख्याल से इतने से अपना काम हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो और लेके आए, यहाँ से लेके जाएंगे या फिर कहीं और से ढूंढेंगे। तो चलिए अभी इसको फर्नेस में रखते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं पहुँचता हूँ कल, फिर सैंड को रखते हैं फर्नेस में। चलो भाई लोग, हम अब पहुंच चुके हैं कल, और यहाँ पर अब मैं रख देता हूँ सैंड को अंदर मेल्ट होने के लिए। और मेरे पास और स्टोन हो तो बना लेता हूँ, एक और फर्नेस बना लेता हूँ। उसको देखता हूँ कोबर स्टोन। ओके, अभी मेरे पास कोई भी कोबर स्टोन नहीं है। चलो, नहीं, है पड़ा है पड़ा है, बहुत बढ़िया। 1 2 3, तीन बना लेते। चलो, चलो बहुत रात हो चुकी है और इधर हमारे 3 दिन, सॉरी 8 दिन खत्म हो चुके हैं। चलिए जल्दी सो जाते हैं। तो 8वें दिन हमने इकट्ठा की है पूरी की पूरी सैंड, और उसको देख लेता हूँ कहीं पर क्रीपर व्रीपर नहीं है। नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो आज की शुरुआत खाने, चलो नाश्ता करके आज की शुरुआत करते हैं, पेट भरा हो तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है। चलो, अब हमें अपनी जो भट्टी है, सॉरी फर्नेस, उसके अंदर रखने हैं कॉल। कॉल की तरह, कॉल की तरह। ओके, ये मिल चुका है कॉल हमें। तो आज का दिन है 9 day 9, और सारी पुट्टी में लगा दिए है हमने कॉल। तो ग्लास बनना हो जाएगा स्टार्ट। तो भाई लोग, अभी जो जो मिला है वो रख देते हैं अंदर। तो
फाइनली भाई लोग माइनक्राफ्ट सर्वाइवल के अंदर हमारे 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और इन 4 से 9 दिन के अंदर हमने अपनी घर की छत बनाई सैंड टूटी, और काफ़ी सारा नुकसान जो क्रीपर ने किया था वो ठीक किया, और बीच बीच में मुझे थोड़े थोड़े सैंड भी लेने जाना पड़ा क्योंकि अपने घर का जो छत है उसे एक बेस बनाने के लिए नीचे सैंड सॉरी डॉट लगानी ज़रूरी थी। फिर हम गए सैंड लेने, और अभी सैंड को हमने लगा दिए फर्नस में, और फर्नस में वो बन गए ग्लास, और ग्लास बनने के बाद तो वो बन गए हमारे घर के ये सारी दीवारें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं।